चाचौड़ और बीनागंज में फिल्म अभिनेत्री एवं भाजपा की स्टार प्रचारक जया प्रदा पहुंची। जया प्रदा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रोडमल नागर के पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंची थी, जहां उन्होंने दिग्विजय सिंह को अपना बड़ा भाई बताया और कहा कि वे हमारे आदरणीय हैं, बड़े भाई हैं। वे उनका सम्मान भी करती हैं, लेकिन भोपाल से वे हार रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी जो चौकीदार चोर है बोलना शुरू किया है, इसका मतलब चौकीदार नहीं बल्कि पूरा विपक्षी चोर है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना हो तो 12 तारीख को आप लोग कौन सा बटन दबाना है, किस पर बटन दबाना है बताइए। किस पर जोर से बोलो, किस पर। मुझे लगता है कि गर्मी बहुत हो रही है। घर घर मोदी, वंदे वंदे। जो भाषा का परिभाषा जो है वो खत्म हो गया है जी। और ममता जी ने कहती हैं कि मोदी जी को थप्पड़ मारूंगी जी। और ये जो राजबब्बर जी कहते हैं कि चिचौरा है जी। मतलब एक प्रधानमंत्री को जिस तरह सम्मान देना है, पार्टी में आजम खान है और कांग्रेस में राजबब्बर है, और इस तरह का जो ममता दीदी मोदी जी को थप्पड़ मारने वाली है तो बहुत बहादुर समझते हैं ये लोग, लेकिन ये बहुत गलत बात है। राहुल गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष माफी मांगी है, जो चौकीदार चोर है का नारे लगाए तो उसके ऊपर, उस पर आप क्या। देखिए जो कोर्ट ने उनको आदेश दिया था, उनको जो है उनको चाबुक चलाए, इसीलिए तो माफी मांग रहे हैं। ऐसे वैसे तो माफी नहीं मांगा है। जब उनको पता है कि चौकीदार को चोर मानते हैं और राफेल को जो है उनको डील को घोटाला मानते हैं, तो इनको कौन बताएगा, जनता ही बताएगा ना। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हर सभाओं में कहते हैं कि अगले प्रधानमंत्री मोदी नहीं होंगे, क्या कहेंगे। देखिए दिग्विजय सिंह जी भी आहार रहे, इसीलिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ कहती हूँ कि वो हमारे बड़े भाई जैसे हैं, लेकिन राजनीति में हम मोदी जी के साथ हैं तो मोदी जी जीतेंगे और दिग्विजय सिंह हारे।